नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। एक बार बता दें, आवाज आ रही है? दम सही। हेलो हेलो हेलो, आवाज सही आ रही है? बता दें, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? और कैसे हैं आप लोग, मेरे को बताएं। फिर करते हैं बच्चे शुरुआत सेशन की। और आपको मालूम है, कल हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट कर ली है, और जिस सीरीज में हम सारे एक ही करके पार्ट पढ़ने वाले हैं, और ये पार्ट हमारे एरर डिटेक्शन के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम करेंगे एक ही करके। फटाफट सब लोग जो रेडी है मेरे को बोल दो कि सर रेडी है, और आप जिसकी भी इंग्लिश कमजोर है और उसके एरर डिटेक्शन कमजोर है वो मजबूत होने वाले हैं। एक एक करके सारी की सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए करते हैं बच्चे शुरुआत। ठीक है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम वाली चीज मैंने कल कराई थी, कल जिस बच्चों ने शो नहीं देखा जाके जरूर देख लेना। चलिए भैया, आज है 6 तारीख, 6 को हम दो काम करने वाले हैं। देखो मेरी एक बात सुनो, आप पूरा घंटा आप अपना पैक कर लो 3 बजे से 4 बजे तक। कैसे पूरा घंटा पैक कर लो? 3 से 3:30 क्लास ले रहे हो बच्चे आप यहां पर, और 3:30 के बाद आप क्लास लोगे अनअकैडमी पर, जो वोकैब की क्लास में कराऊंगा, और वो कुछ अमेजिंग तरीके से मैं आपको वोकैब याद करना दिखाऊंगा। तो आप सब लोग वोकैब के लिए आ जाना, और शाम को 6 बजे जो क्लास चलती है वो तो ऑलरेडी है आपको। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसके लिए, सबके लिए नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, मेरा नाम सर्च करना विशाल परियार, मैं आपको दिख जाऊंगा, और इस तरीके से दिखेगी आपको प्रोफाइल, फॉलो कर लेना, और वहां पर जाकर आपको बच्चे उसको ढूंढ लेना जो आपकी स्पेशल क्लास वाले टैब में दिख जाएगा। अभी 3:30 वाले में कर लेना बच्चे। आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फटाफट दिखा दूं, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड लेंगे हमेशा की तरह, देन उसके बाद आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, महाराज जरा देख लूं साउंड लो, कुछ लोग कह रहे हैं करना क्या है अनअकैडमी लर्निंग। साउंड बच्चे खूब तेज है, कान की आवाज को बढ़ाओ। ठीक है, क्वेश्चन ओके, टाइम्स अप, समय खत्म। आओ जरा इसे पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले काम करना है क्या दिया है उसका पहले मीनिंग जान ले रहे हैं। जैसे मीनिंग जानेंगे देन उसके बाद आप वहां पर ग्रामर भी लगा पाएंगे। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से बताओ यहां पर क्या क्या किस किस तरीके से आप लोग यहां पर लग रहा है वर्ड को लेकर एरर बताओ। As business activities resume, जैसा कि पता है कि business activity फिर से शुरू हो गई on Monday को, after a national wide lockdown, पूरे national wide lockdown के बाद, the finance ministry swing into action, so finance ministry थी वो फिर से action में आ गई to ensure credit flow, ये check करने के लिए कितना पैसा credit flow होने लगा, market फिर से resume जब हुआ तो कितना ऐसा पैसा है जो flow होने लगा to companies के लिए, and set a specific time frame, और उन्होंने भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बना लिया फॉर बैंक्स के लिए, विद इन विच अ लोन नीड्स टू बी डिसबर्स, जिसमें लोन को डिसबर्स करना है उसको लेकर पूरी पूरी बात यहां पर हुई है। आओ जरा से पढ़ लेते हैं क्या बोल दिया गया फिर हम लोगों ने। हमने देखा सबसे पहला बच्चे टर्म आया यहां पर ऑन मंडे आफ्टर अ नेशनल वाइड लॉकडाउन। पहली गलती तो यहां पर कुछ लोगों ने पहचान ली, अच्छी बात है कि नेशनल वाइड लॉकडाउन ना होकर आपको नेशन वाइड लॉकडाउन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा नेशन वाइड लॉकडाउन का? नेशन वाइड खुद में एक सेंस है जिसका मतलब है पूरे के पूरे नेशन में, पूरे की पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर नेशन वाइड लिखा। तो नेशन वाइड लॉकडाउन बच्चे आपका पहला तो आपका ये टर्म है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कंट्री वाइड होता तो आप कंट्री वाइड लिखते ना, कुछ और वर्ड नहीं लिखते, क्योंकि ये आपका खुद आपका बनता है नाउन से, तो कंट्री का कंट्री वाइड बन जाता, नेशन का नेशन वाइड बन जाता, आपका वर्ल्ड का वर्ल्ड वाइड बन जाता है। तो जब वो जो टर्म होता है उसी में आप बच्चे वाइड वर्ड को ऐड कर देते हो तो पूरे की बात हो जाती है। तो सेम एज नेशन में आपने वाइड ऐड किया तो नेशन वाइड होगा, नेशनल वाइड नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग बच्चे क्या है लिख लो, आप लोग सब बच्चे इसको लिख लो। पहली चीज तो ये, तो पहली चीज गलती यहां पर मालूम पड़ गई, तो बिजनेस एक्टिविटी रिज्यूम हुई, सेकंड फॉर्म में यहां पर आई। इसके बाद आप आगे आई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री स्विंग, स्विंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, स्विंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आप इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की बात करोगे तो सेकंड फॉर्म होती है इसकी स्वांग, और थर्ड फॉर्म भी बच्चे होती है इसकी स्वांग।
सेकेंड फॉर्म भी होती है स्वंग, और थर्ड फॉर्म भी बच्चे होती है स्वंग, फर्स्ट फॉर्म होती है स्विंग। तो स्विंग स्वंग स्वंग ये आपको बच्चे याद रखना पड़ता है। तो दूसरी बच्चे आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, नेशन वाइड जो है वो लॉकडाउन हुआ, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो स्वंग इनटू एक्शन, वो एक्शन में आई। सेकेंड फॉर्म है टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कि जो क्रेडिट फ्लो है टू कंपनीज के लिए, एंड सेट अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी सेट किया फॉर बैंक्स, बैंक्स के लिए विद इन विच अ लोन नीड्स टू बी डिसबर्स, जिसमें लोन को डिसबर्स होना है। तो बाकी सारी बातें बच्चे पास में आई थी और जनरल बात यहां पर आ गई थी आपकी प्रेजेंट में हो गई। सबको क्लियर हो गया तो मेरे को बोले सर डन, सबको क्लियर हो गया, परफेक्ट है। ठीक है, तो मेरे को एक बार बोल दे यस सर डन, सबको क्लियर हो गया, परफेक्ट है। आगे बढ़ जाए बच्चे तो मेरे को बोले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, चलो डन डन डन, सबको समझ में आ गया तो एक बार फटाफट से यस करके मेरे को बता दो कि हाँ जी सर सबको समझ में आ गया, और एक बार जरा लाइक बटन पर थम्स अप पर प्रेस करके मेरे को बता दो यस सर हमें समझ आ चुका है। फिर बढ़ते हैं बच्चे हम आगे, है ना? आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, डू इट। चलो टाइम्स अप हो गया बच्चे, है ना? ठीक है, हैज आ जाएगा। चलो आपने अपने अपने बता दिए, आज एनर्जी डाउन लग रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी इसलिए डाउन लग रही होगी कि मेरे को पता नहीं क्या है, पर सिर में दर्द होने लग गया हल्का हल्का हल्का, तो फिर बोलने में क्या है कि आज तेज दर्द हो रहा है, तो तेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसलिए आज आराम आराम से बोल रहा हूँ। आप सब लोग कॉपरेट कीजिएगा, टीचर्स सारे आराम आराम से पढ़ाते हैं, बस मैं ही होकर के चक 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 करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक आध दो चार दिन रुक जाओ, थोड़ा सा अभी रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि पता नहीं अलग ही दर्द हो रहा है। एक बार क्लास ले लूँ आज की मैं, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रखी है, देन फिर अभी इसीलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आराम आराम से मैनेज करना है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो बोले सर ठीक है समझ गए। वर्किंग कैपिटल रीअसेसमेंट ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीज, वर्किंग कैपिटल का जो रीअसेसमेंट हुआ, पुनः आकलन हुआ, वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए का हुआ फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स, जो अभी बोरोवर्स हैं उनके लिए। हैव टू प्रोसेस, वो प्रोसेस होना है, हैव टू प्रोसेस, वो प्रोसेस होना है विद इन 6 to 9 days, 6 से 9 दिनों के बीच में प्रोसेस होना है। While facilities of 5 crore rupees and above, जबकि जो facilities है 5 crore रुपए की और उससे ज़्यादा की, need to be processed during 12 से 15 working days के दौरान वो नहीं है। आपने देखा दो बातें कही गई हैं, एक तो कही गई जो वर्किंग कैपिटल असेसमेंट है वो 5 करोड़ रुपए के आसपास है, वो एग्जिस्टिंग borrowers का है, उसको प्रोसेस होना है 6 से 9 दिनों के दौरान, और दूसरा उन्होंने कहा जो फैसिलिटीज है 5 करोड़ या इससे ऊपर की, इसको प्रोसेस हुआ होना है ड्यूरिंग 12 से 15 वर्किंग डेज में। तो आपने दो चीजें देखी कि प्रोसेस होना है, तो प्रोसेस होना है तो ये आपका सेंस पैसिव का बना या एक्टिव का बना, मेरे को बोलो, ये प्रोसेस होने वाली बात को पैसिव का सेंस बना या एक्टिव का बना? ये तो प्रोसेस होने ही की बात है, खुद नहीं कर रहे, प्रोसेस होना है किसी के द्वारा ही होना है, तो यानी कि सेंटेंस का सेंस इसका पैसिव का आएगा, और सेंटेंस का सेंस इसका पैसिव का आएगा, तो जहां पर ये हैव टू प्रोसेस लिखा हुआ है वो बच्चे रॉन्ग होगा ना। हैव टू प्रोसेस की जगह क्या होना चाहिए? हैव टू बी प्रोसेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैव टू बी प्रोसेस्ड होना चाहिए। बच्चे पहली गलती आपकी यहां पर आ गई, हैव टू बी प्रोसेस्ड, हैव टू बी प्रोसेस्ड आपका ये होना चाहिए, तब वो सही बनेगा, क्योंकि तभी वो बच्चे आपका पैसिव का सेंस आपको दे पाएगा। पैसिव का सेंस तभी तो बना, मेरे को एक बार बोले यस सर हाँ पैसिव का सेंस ही आपका तभी बनेगा, अगर वही तो पैसिव का सेंस नहीं बनेगा, पैसिव का सेंस नहीं बना तो फिर वो सही भी नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज देखी अब हम लोगों ने, तो एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी, पहले उन्होंने कहा 6 to 9 days के अंदर ही अंदर, तो यहाँ विद इन लिख दिया, आगे लिखा उन्होंने 12 से 15 working days में, तो यहाँ पर उन्होंने ड्यूरिंग लिख दिया, तो दोनों को देखोगे तो क्या हम यहाँ लगाएंगे? जब हम कहते हैं कि इसको प्रोसेस होना है, किसके दौरान होना है, आपने कहा 6 से 9 दिन के दौरान हो जाएगा तो ठीक रहेगा, जब आप विदिन लगाते हैं, विदिन तो विदिन लगाएंगे तो विदिन में आप कोई एक टर्म नहीं लगाते, विदिन 6 to 9 days नहीं, विदिन 6 days, विदिन 9 days,
आप समझिए मेरी बात, जब हम कह रहे हैं विदिन लगा रहे, तो विदिन तो बच्चे आपका तब लगता है जब हम एक कोई टाइम फ्रेम देते हैं ना, जब हम कहते हैं विदिन 5 डेज, तो 5 दिनों के दौरान कोई चीज हो रही है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि विदिन कब होनी है, विदिन 5 to 10 days, 5 से 10 दिनों के बीचों बीच में हो जानी चाहिए। तो वो आप लगाते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में विदिन से नहीं बनाते, फिर तो आपको बिटवीन से लगाना पड़ता अगर बीचों बीच में लगाना पड़ेगा। यानी कि विदिन लगेगा तभी ना जब वन टाइम फ्रेम की बात होगी, विदिन 5 डेज होता, विदिन 9 डेज होता, विदिन 15 डेज होता, व्हाटएवर। तो आपका कोई एक टाइम फ्रेम वर्क होना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। जब कभी भी एक टाइम फ्रेम वर्क नहीं है, तो आप सोचिए वहां दूसरी प्रेपोजिशन लगेगी, वो आपकी फिर विदिन नहीं लग पाएगी, तो यानी कि फिर ये ड्यूरिंग वाला सही है। ड्यूरिंग का मतलब है 12 से 15 दिनों के दौरान। कब? 12 से 15 दिनों के दौरान, तो ड्यूरिंग लग सकता है तो ठीक रहेगा। ड्यूरिंग 12 डेज, 12 दिनों के दौरान। ड्यूरिंग 12 to 15 डेज, 12 से 15 दिनों के दौरान। ड्यूरिंग 6 to 9 डेज, मतलब 6 से 9 दिनों के दौरान। तो ये जो दौरान वाली बात है ना बच्चे, तो विदिन है, तो विदिन की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? ड्यूरिंग आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? बोले यस सर, गॉट इट। सबको क्लियर हो गई तो मेरे को एक बार बता दें, यस सर गॉट इट। आप समझ में आ गया विदिन को कैसे यूज करना है, और आपका ड्यूरिंग जो आएगा तो ड्यूरिंग कैसे यूज होगा? विदिन फॉर वन टाइम फ्रेमवर्क, एंड ड्यूरिंग फॉर जनरल आप बात करें इसके दौरान के आसपास। वहां ड्यूरेशन ही आ जाती है, आपको मालूम पड़ जाता है कब से कब की बात करें। क्लियर है सबको? मुझे बोले यस सर, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है। तो एक बार मेरे को थम्स अप देकर बता दें सब लोग, ऐसा ना हो कि आज आप लोग थम्स अप नहीं देंगे, है ना? हाँ, थम्स अप जरूर देंगे, और आवाज आप तक पहुंच ही रही होगी, मेरी दिल की आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच रही होगी सबके। फटाफट से मेरे को थम्स अप देकर बता दो यार, सिर्फ 500 लोगों ने थम्स अप दिया है, आज बच्चे भी कम आए, इसको जरा शेयर मार दो सबके साथ, 1100-1200 बच्चे देख रहे हैं, जल्दी शेयर मार दो सब लोग। मैं मेहनत करता हूं तो ये सबके लिए हो। मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो मैं क्लास को कैंसिल कर दूं, छोड़ दूं, या फिर उसे कर लूं। तो फिर मैं उसे कर इसलिए लेता हूं कि कर ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, सब देखते हैं, आप लोगों का फायदा होता है, तो उसको शेयर वेयर कर दिया करो सबके साथ। शेयर कर दोगे तो सबको दिखता रहेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ चलते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? 3:30 बजे फिर वो कैप को लेकर हम लोगों ने दूसरा सेशन लगाया, वो भी आप लोगों के लिए। चलो उसको बताओ। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म। आप लोग जरा बताइए क्या इसमें आएगा आंसर। मैं इसका पहले मतलब समझता हूं, मीनिंग पढ़ते हैं, इसका मीनिंग अपना क्या निकल रहा है। देखो जरा, दी COVID-19 पैंडेमिक इज अ बूट कैंप, ये एक बूट कैंप है इन इकोलॉजिकल अवेयरनेस में। ए रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है दैट द वेल बींग ऑफ एवरी वन पर्सन, हर एक व्यक्ति का जो वेल बींग है इज टाइड अप, वो जुड़ा हुआ है, वो बंधा हुआ है विद एवर सो मेनी अदर्स, मतलब बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, बोथ फैमिली एंड नेबर्स, फैमिली से भी जुड़ा हुआ है, नेबर से भी जुड़ा हुआ है, पड़ोसियों से भी, एंड दोस्त उन लोगों से भी जुड़ा हुआ है, वी विल नेवर माइट मीट और नो, जिनसे शायद हम कभी मिलेंगे भी नहीं और उनको शायद कभी हम जानेंगे भी नहीं। अब आप मेरे को ABCD करके मत बताओ, मेरे को आप ये बताओ कि किस वर्ड में गड़बड़ है, डायरेक्टली उस वर्ड की बात बता दिया करो कि सब पर्टिकुलर इस वर्ड में गड़बड़ है, इस वर्ड की जगह ये आना चाहिए या इस वर्ड की जगह ये आना चाहिए, ऐसा करके मेरे को बताओ जल्दी से फटाफट। टाई अप लग रहा है, ईच पर्सन लग रहा है, एवरी पर्सन है, पढ़ते देखो। COVID-19 पैंडेमिक इज अ बूट कैंप, एक बूट कैंप है ये, यानी कि बढ़ता जाएगा हमारे इकोलॉजिकल अवेयरनेस में, हमारा बढ़ता जाएगा क्योंकि पैंडेमिक है, आज कम है ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा ही, इसकी दवाई होगी तभी ये रुक पाएगा। तो एक तरीके का रिमाइंडर है दैट द वेल बींग ऑफ एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति का वेल बींग। अब जैसे या तो हम एवरी वन लिखते तभी आपका सही माना जाता, समझ रहे हो? एवरी वन नहीं होगा तो या फिर हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे इस तरीके से एवरी पर्सन, या तो हम एवरी वन लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे एवरी पर्सन, या तो हम एवरी वन लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे एवरी पर्सन। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम एक ही चीज लिखते हैं कि एवरी वन और पर्सन दोनों लिख देंगे, तो एक ही चीज नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा या तो एवरी वन लिखो या एवरी पर्सन। तो एवरीबडी नोज इट, ठीक है, क्लियर हो गया, एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो एवरी को हटा के हम ऐसे लिखते हैं एवरी पर्सन इज टाइड अप। टाइड अप बच्चे बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये पैसिव बना, याद रखो बी वर्ब है ना, इस MR वर्ज वर्ब कहीं दिया है तो यानी वो बी वर्ब है, बी वर्ब के साथ बच्चे आती है थर्ड फॉर्म, ठीक है,
इज एम वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमने कहा जैसे द वेल बींग ऑफ एवरी पर्सन इज टाइड अप, इज टाइड अप मतलब वो उससे जुड़ी हुई है विद एवर सो मैनी अदर्स, यानी बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है, बोथ फैमिली एंड नेबर्स, जो फैमिली है और नेबर्स है। अभी कुछ लोगों ने कहा सर फैमिली की जगह फैमिलीज कर दो, क्या कहीं पर ऐसी कोई रिजिड कंडीशन है कि जो हमें बता रहा हो कि यार इसका सिंगुलर नहीं प्लूरल होना चाहिए? कहीं बताओ, कहीं लिखा हुआ है जो बता रहा है इसका सिंगुलर नहीं प्लूरल होना चाहिए? कहीं नहीं बता रहा है इसका कि सिंगुलर नहीं प्लूरल होना चाहिए। जब नहीं बता रहा सो वाई डू वी चेंज, हम क्यों बदलेंगे इसे? हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ये एब्सोल्युटली यही करेक्ट होगा। यानी कि विद फैमिली ठीक है, अभी फैमिलीज लिखा होता तो भी गड़बड़ नहीं होती, इसकी जगह अगर फैमिलीज लिखा होता तो भी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कहीं से हमें पता ही नहीं चल रहा ना कि वो सिंगुलर करेंगे प्लूरल। तो विद फैमिली हमने कहा दोनों के लिए, फैमिली के लिए भी, नेबर्स के लिए भी, और उन लोगों की बात करें वी विल नेवर माइट मीट और नो। दूसरी चीज शायद आप लोग नहीं पहचान पाए यहाँ पर, वो देखो क्या है, वो ये जैसे आपने लिखा वी विल, तो विल का शॉर्ट फॉर्म में तो लिखा हुआ ये आपका वी विल या वी शैल, यही तो है, चाहे वी विल कर लो वी शैल कर लो, इसके बाद तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना। और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया माइट, माइट तो फिर से एक और हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये रखी है मीट जो लिखी हुई है, यानी माइट दे दिया वो तो गड़बड़ हो गया ना, माइट तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हालांकि माइट आपने दो तरीके से सुना होगा, एक माइट होता है जिसको हम कहते हैं पावर, वो नाउन की तरह यूज होता है, Almighty God सुना होगा वहां पर, जो पावरफुल करके यूज होता है, तो वो पावर का सेंस अलग होता है। बाकी जो माइट मे का जो माइट होता है ये वो वाला माइट यूज हो गया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वाला यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल होगा यहाँ पर, यानी कि माइट हट जाएगा, दूसरा आपका बच्चे एवरी पर्सन कर देंगे या फिर एवरी वन कर देंगे। नाउ टेल मी क्लियर हो गई दोनों चीजें, है ना, है ना। Tied up with ever का मतलब हो गया अब तक जिससे जुड़ा हुआ है, tied up with ever का मतलब अब तक जिससे जुड़ा हुआ है, अब तक का सेंस आ रहा है with ever करके, with ever so many others, अभी तक जो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, अब तक का सेंस आता है yet करके, अब तक का सेंस देता है मतलब so far में, sorry, so far का सेंस देता है अब तक का ऐसे करके कि अब तक ऐसा हुआ है, तो वही with ever करके सेंस है जिसके साथ जुड़ा अब तक का, तो ये सेंस आपको देता है जिसके साथ जुड़ा हुआ उसके सेंसेस ही बात करता है। नाउ टेल मी क्लियर हो गया तो मुझे बोले डन क्लियर, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, किसी को कंफ्यूजन है ना, ठीक है डन। आपने कहा था एंड के पहले और एंड के बाद सेम आता है, मेरे लाला मैंने ये कहा था कि एंड से पहले एंड के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, सेम क्या आता है, वो बीच की चीज खा जाते हो क्या? सर ने बोला था पार्ट्स ऑफ स्पीच खा जा रहे हैं, कहीं ये बोला था क्या मैंने कि एंड से पहले नाउन सिंगुलर होगा तो यहाँ भी सिंगुलर होगा, ऐसे बोला था क्या कभी कि यहाँ प्लूरल होगा तो ये प्लूरल होगा? कुछ भी सुन लेते हो क्या अपने मन से? ये मैंने आपको बोला होगा, जब बोला होगा एंड दिया होता है, कंजंक्शन होता है, रूल ये होता है इनसे पहले और इनसे बाद में जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चे वहां पर सेम होना चाहिए, इस चीज को याद रखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए सेम, समझ गए? यस और नो करके मेरे को बोले, ठीक है, हाँ और क्या, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डेली याद रखना बच्चे 3 बजे आना है और 3:30 बजे वो गैप के लिए हम लोग अनअकैडमी पर मिलेंगे, ठीक है। चलो ये वाली लाइन कल वाली चल रही है, ये कल वाली लाइन को देख लेना, 7:08 पे आते हैं, देखो चलो भाई टाइम्स अप, समय खत्म, ये वाला इंपॉर्टेंट है काफी और इसमें आपको कई सारी चीज सुनने को मिलेगी, इसको एक एक करके बड़े ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है, द पैंडेमिक टेल्स अस, पैंडेमिक हमें बताती है दैट द राइट टू हाउस, दैट द राइट टू हाउस टू शेल्टर टू हैबिटेट, द राइट टू हाउस, राइट टू शेल्टर, राइट टू हैबिटेट, ऐसे तो दिया हुआ है, ठीक है, इज एन अर्जेंट एंड एसेंशियल वन, ये काफी अर्जेंट है और एसेंशियल वन है फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए, एंड द काउंटलेस अदर्स, और बहुत सारे दूसरों के लिए, दूसरे क्रिएचर्स के लिए, अदर क्रिएचर्स के लिए भी, वी शेयर द प्लैनेट, जिनके साथ हम ये प्लैनेट शेयर करते हैं। द
देखो कई बार क्या होता है बच्चे, सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें प्रेपोजिशन आपको एंड में लगानी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं, एक यहाँ पर देख सकें, यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिखूं इस तरीके से, मैंने कहा आई, ऐसे करके, आई हैव अ ब्लू पैन टू राइट। तो सेंटेंस बच्चे सही तो है बट पूरा सही नहीं है क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है। हमें लिखना पड़ेगा आई हैव अ ब्लू पैन टू राइट विद, जिसके साथ हम लिख रहे हैं आई हैव अ चेयर टू सिट ऑन। इस तरीके के सेंटेंसेस सुने हुए हैं, आई हैव अ चेयर टू सिट ऑन, आई हैव अ ब्लू पैन टू राइट विद, आई हैव अ चेयर टू सिट ऑन। सेम एज आपको लगाना पड़ेगा कि यहां पर जैसे हमने कहा फॉर ह्यूमन बींग्स एंड द काउंटलेस अदर क्रिएचर्स वी शेयर द प्लैनेट विद, आपने भी लगा दिया आप लोगों ने विद, वी शेयर द प्लैनेट विद। अच्छा सबको दिख गया, ए, चोरी ना करनी आपको, समझ गए पहली चीज कहां पर क्या हो जाएगा, वी शेयर दिस प्लैनेट विद, जिसके साथ हम इस प्लैनेट को शेयर करेंगे। क्लियर हो गया सबको, डन ना? ठीक है सिंपल। अच्छा अब यहां पर आ चलते हैं, जैसे आप कहते हैं राइट टू लिबर्टी, सुना हुआ आपने राइट टू लिबर्टी करके, कि हमारे पास राइट है, हक है, अधिकार है, राइट टू किसी चीज का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिव, राइट टू वॉट एवर, इस चीज जिस भी चीज के हम राइट की बात करते हैं उस चीज का अधिकार की बात करते हैं। अब जैसे आप कहते हैं हाउस, हाउस का मतलब होता है घर, हाउस का मतलब होता है घर, बट जैसे आप बात कहते हो रहने की, तो रहने के लिए आपको कहता है हाउसिंग लिखना पड़ता है, वो हाउसिंग लिखना पड़ता है। वो ये नहीं कि हाउस में आपने आईएनजी लगा दिया, वो ये मत समझना कि आपने वर्ब में आईएनजी लगा दिया, वर्ब में आईएनजी नहीं लगा रहे हो आप, कि आप वर्ब में आईएनजी लगा रहे हो, ये आपका टर्म है हाउसिंग। आप लोगों ने हाउसिंग लोन सुना हुआ है, हाउसिंग लोन सुना हुआ है, हाउसिंग लोन जो हो गया, तो हाउसिंग लोन में हाउसिंग ऐसा तो है नहीं कि हाउस वर्ब थी उसमें आईएनजी लगाया, वो टर्म है हाउसिंग, वो आपका टर्म है, आपको ऐसे करके दिमाग में रखना है। तो आपका यूज नाउन की तरह यूज होता है, अपना बस ये ध्यान रखना है हाउस नाउन यूज नहीं करेंगे, आपको हाउसिंग यूज करना पड़ेगा। रहने की जब बात करते हैं तो वो घर नहीं, जैसे शेल्टर है, शेल्टर रहने की तो बात करते हैं हम, हैबिटेट रहने की तो बात करते हैं हम, तो ऐसा नहीं है कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे बट वो आपका नाउन नहीं होगा, वो हाउस घर की बात करेगा, वो रहने को नहीं बताता है, ये हाउसिंग रहने को बताता है। हाउसिंग प्लान आपने सुने होंगे, द पैंडेमिक टेल्स अस, पैंडेमिक हमें बताती है दैट द राइट टू हाउसिंग, राइट टू शेल्टर एंड हैबिटेट, समझे मेरी बात, राइट टू हाउसिंग, राइट टू शेल्टर एंड हैबिटेट। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा राइट टू हाउसिंग, टू शेल्टर एंड हैबिटेट। तो आपको यहां पर ये तो ऑलरेडी नाउन था हाउस, बट वो घर वाली बात नहीं है कि हाउसिंग लिखना पड़ेगा, ये भी नाउन है आपका। तो दोनों तरीके से इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ये चीज आपके लिए हो सकता है नई हो, लेकिन आपके लिए नई है बट आपको सीखनी पड़ेगी। सीख गए ना नई चीज आपके लिए एवरीबडी? तो मेरे को एक बार बोल दें यस सर, नाउ गॉट इट सर, नई चीज है बट वी गॉट इट, हमें समझ में आ गया, हम सीख गए। ठीक है एक बार बोल दें सब लोग, ठीक है चलो ठीक है। आज को बच्चे हम लोग यहाँ पर ऐसे यहीं पे खत्म करते हैं इधर, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो क्लास को मैं शॉर्ट ले रहा हूँ है ना, बट कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्लास को, एक क्लास को कैंसिल कर देता तो ये भी चले आते हैं, आज की क्लास को शॉर्ट रखने, इसको खत्म करते हैं। 5 मिनट का वेट करते हैं, 5 मिनट में आप सभी लोग मिलिए फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वहाँ पर मैंने मेहनत करी है तो भाई मेहनत वेस्ट ना जाए मेरी, तो आ जाना आप सभी लोग फटाफट से आओ आप सब लोग है ना, और वो लाइव ही पढ़ ले रहे, और उसके लिए मैं उसकी पीडीएफ भी आपको तुरंत की तुरंत वहीं मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना। वो क्या आपको लर्न करने की कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हैं, उन ट्रिक्स को पढ़ लेंगे, तो पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे ही करके थोड़ा आराम आराम से, बट वो सुन लेना ठीक है, क्योंकि क्लास लगी हुई है उसे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं, वो इसलिए ताकि आप लोग सीख लो। तो आ जाओ सभी लोग फटाफट से आओ, वो क्या आप याद करने का अमेजिंग ट्रिक है 3:30 पे, फटाफट से आओ वहां पर, बाकी शाम को 6 बजे मिलना ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग उसे खत्म करते हैं, बाकी आप में से जो भी बच्चे हैं जो अभी एग्जैक्टली बेसिक से लेकर हाई पढ़ना चाहते हैं, राइट, बेसिक टू हाई आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो हम लोग जो बैच लेकर आ रहे हैं लॉकडाउन बैच, आप उस लॉकडाउन बैच में एडमिशन ले लो, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लेना 1 साल का, वहाँ कोड यूज करना Wi-Fi ABB10, आपको 10% का बच्चे मिलेगा डिस्काउंट, आप उसमें जुड़ जाओ। वो सब बच्चे जो लोग एक्चुअली यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर Wi-Fi ABP10, अभी यहाँ पर ABP10,
आप यहाँ पे, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होगा तो एक वीडियो चलेगा, उसको देख लेना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो उन बच्चों के लिए जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक टू हाई फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स। खत्म करते हैं बच्चे, मिलते हैं अनअकैडमी पर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।